दो तीन दिन पहले मैं अपनी मम्मी से पैसे मांगा, मम्मी पैसे दे तो मुझे दारू पीना है। बाहर से पापा बैठे, बेटा मेरे लिए भी एक खंभे लेके आना, एक खंभा लेके आना। पापा आपकी उम्र थोड़ी है पीने की, अभी मेरी उम्र है, मैं एंजॉय करूंगा। बेटा बात ऐसी है कि होश में तो मैं तुझे पीट नहीं पाऊंगा, पीने के बाद ही पीट लूं। 20 साल की अहक है, उसे पूरी तो कर लूं। अंदर से मम्मी, 20 साल की, लेकिन वो तो 26 साल का है। अरे 6 साल बच्चा था ना, ये बात है, 6 साल बच्चा था, 7वें साल से पीना स्टार्ट कर दिया क्या? नहीं मतलब बदमाशी करना तो स्टार्ट कर दिया था ना, कभी पीटा नहीं, तो सोच रहा हूँ आज ही पीट लूँ पीने के बाद। इस बात से मुझे याद आई, कुछ दिन पहले मैं एक अंकल की पार्टी में गया हुआ था, छोटा सा प्रोग्राम था, उसमें एक अंकल मिले मुझसे। मिले क्या, बैठे थे, बड़े चिंतित थे, मैं दूर से कब से देख रहा हूँ कि बहुत चिंतित है, रहा नहीं गया मुझसे। कोई चिंतित रहता है तो मुझसे देखा नहीं जाता बिल्कुल, कि ये इतने चिंतित क्यों है, इस चिंता की वजह क्या है। चला गया, क्या बात है अंकल, आप बहुत चिंतित दिख रहे हैं। नहीं बेटा बस ऐसे ही। अरे नहीं नहीं बताइए बात क्या है, ये तो बताइए। बेटा सर पे कर्ज ही इतना है, कर्ज होने के बाद चिंता का विषय तो है ही। कर्ज? जहाँ तक मुझे ज्ञान है, आपने अभी घर में किसी की शादी भी तो नहीं की, या कोई बड़ा प्रोग्राम भी तो नहीं हुआ आपके घर में, फिर इतना बड़ा कर्ज कैसे? बेटा पिलाने के चक्कर में। हाँ पिलाने के चक्कर में? हाँ बेटा, दारू पिलाने का बहुत बड़ा शौकीन हूँ। क्या बात कर रहे हैं अंकल, दारू पिलाने के शौकीन? पीते नहीं? नहीं बेटा मैं पीता नहीं बिल्कुल, लेकिन पिलाने के लिए तो बिल्कुल एकदम रेडी रहता हूँ। अच्छा ऐसा क्या, तो पिलाने में इतने बड़े शौकीन कि आप कर्ज ले बैठे? हाँ बेटा कर्ज ले बैठा, और थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज्यादा कर्ज है, जरा बताइए। तो बेटा बात यह है कि मैं पिलाने का शौकीन हूँ, और मेरे एक दोस्त हैं पीने में बड़े माहिर हैं, बिना पिए किसी दिन नहीं रह पाते। अब घर में बच्चे और बीबी का उनके राज है, तो पैसे मिलते नहीं, मेरे पास फोन करते हैं। हाँ आ रहे हैं ठेके पे, आ रहे हो तुम? चल चल चल, अच्छा मैं भी आ रहा हूँ, थोड़ा पैसे ले लूँ घर से। तब तक घर पे राज मेरा ही था, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि दारू वारू पीता नहीं, इन सबसे बहुत दूर रहता है, लेकिन किसी को क्या पता कि पीता नहीं लेकिन पिलाता तो है, पिलाने का शौकीन है। मैं हर रोज पहुंच जाता था वहां पे। एक दिन क्या हुआ, शाम को मेरी बीबी और उसकी बीबी, एक दिन संयोग ऐसा बना कि सेम डेज, जबकि दोनों एक दूसरे को जानती नहीं है, मतलब मिली नहीं है कभी, लेकिन संयोग ऐसा बना कि दोनों सेम डेज पहुंच गई। मेरी वाली क्यों पहुंची, कि रोज शाम को पैसे लेके जाता है, पी के तो नहीं आता लेकिन पैसे करता क्या है, उसके चक्कर में मेरी बीबी, और मेरे दोस्त की बीबी इस चक्कर में उसके पीछे गई कि ये तो घर से कभी पैसे नहीं लेके जाता, फिर पी के कहां से आता है, कहीं कोई प्रॉपर्टी तो नहीं बेच रहा है, कोई प्रॉपर्टी बेच दिया तो बच्चे कहां जाएंगे कल को। इस चक्कर में उसकी बीबी, दोनों की बीबियां एक साथ पहुंच गई ठेके पे। हम लोग देखने के बाद दोनों दो तरफ निकल लिए। अब चखना वाला वहां पे जो था बेचारा, वो फंस गया। लेकिन अरे भाई साहब आपका चखना, भाई साहब चखना, दोनों ने पहले उसे कूट दिया कि ये भी इन्हीं लोगों के साथ है। बीवियों ने कूटा? हाँ बीवियों ने पहले उस चखने वाले को कूट दिया। अब वो कह रहा, अरे मैं तो दुकानदार हूं, मेरा तो काम यही है, उनको जाके पीटिए, वो जो देते हैं रोज। अरे उनको कौन? अरे वो ठेकेदार। अच्छा वो भी यही है ठेके के पास? अब वो बेचारा अंदर से, ठेके में क्या होता है कि अंदर से दरवाजा बंद रहता है, वो जाली नुमा होता है, वहीं से थमाती हैं ये लोग, ठीक है। अब उसके बाद ये लोग बाहर से, बाहर आ जाइए कुछ काम है। तो क्या काम है? मेरा काम यहीं तक है, मैं शाम को निकलूंगा, बाहर आइए। अच्छा किसी तरह से वो भी थोड़ा सा वो औरतों को देख के आ गया बाहर बेचारा निकल के। जैसे आया तुरंत उनको भी दो तीन लगा तो वो भी गायब। अब उस दिन तीन के तीनों गायब। देखिए पीने और पिलाने वाला गायब, ठेकेदार भी गायब।
अब ठेकेदार की पत्नी जो है वो पहुंची पुलिस स्टेशन कि भाई इन दोनों की बीवियों ने मेरे पति को ऐसा पीटा कि वो घर छोड़ के गायब है। अच्छा ऐसा क्या? पुलिस केस हुई, पुलिस घर पे पहुंची, अब वो दोनों बीवियां गायब, जो पीने और पिलाने वाले थे, जो अंकल मिले थे, उनकी और उनके दोस्त की बीवियां दोनों घर से गायब लापता। उन दोनों को पता चला तो वो दोनों घर पे आ गए, बीवियां गायब तो वो दोनों घर पे। अब इस समय तीनों के मजे हैं। अब मजे किसके हैं? पिलाने वाले अंकल, पीने वाले अंकल और जो ठेकेदार था उसकी बीवी। उसकी बीवी के मजे इसलिए, पहले तो ये दोनों जाते थे पीने, ठेके पे पैसे देके चले आते, तो आते तो मालिकाना जो था ठेकेदार के पास रहता था। अब ये दोनों उसके घर पे चले जाते हैं, दारू लेने उसके घर पे चले जाते हैं, तो वहां पे जाने के बाद अब पैसे तो उस औरत को मिल रहे हैं, तो भाई उसके भी तो मजे हैं, फिर दिक्कत क्या है? अच्छा किसी तरह से फिर से केस वेस हुआ। ये जो तीनों लोग गायब थे घर से, इन तीनों को डर था कि घर पे जाएंगे तो पुलिस, उन दोनों को डर था कि पुलिस ले जाएगी, ठेकेदार को डर था कि घर पे जाएंगे तो वो दोनों बीवियां कूटेंगी मुझे, मामला फंस गया। अब ये दोनों बीवियां गायब हैं तो उस ठेकेदार को ढूंढ रही हैं, यहाँ वहां पूछ रही हैं, ठेकेदार और परेशान मुझे पूछ रही हैं, फिर कूटेंगी। अभी ठेकेदार को नहीं पता है कि उस इस पे केस कर दी है मेरी पत्नी। ठेकेदार को इसी बात का डर है कि ये दोनों पूछ रही है अभी भी कूटने के लिए, अब ये भी केस कर बैठा। अब ये जब केस करने पहुंचा तब पता चला कि उसने केस किया, इसलिए ये ढूंढ रही है कि मुझे घर पे लेके जाएं। अब अच्छा किसी तरह से ये सब घर पे आए, उसके बाद मामला ठंडा हुआ, घर वाले कहें कि अब जो तुम लोगों को करना है करो, मुझसे नहीं मतलब। अब ये दोनों आराम से पीने और पिलाने में मस्त। अब अंकल उसके बाद क्या करें, बड़े मजे से, अब जब बता रहे, बताने में इतनी मुस्कुराहट है उनके चेहरे पे कि जैसे अब क्या ही बताएं, उनका एक्सप्रेशन इतने खुश होके बता रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं बेटा मैं नौकरी करता था पहले, काफी अच्छा पैसा कमाता था, लेकिन उम्र के साथ जो है नौकरी छोड़ना पड़ा। बोला गवर्नमेंट था? नहीं प्राइवेट था। अच्छा अच्छा ठीक है, तब तो जब अच्छी सैलरी थी तो बैंक बैलेंस तो रहा ही होगा, फिर इतना कर्ज कैसे? बेटा सारा का सारा खत्म हो गया। अच्छा जब सारा खत्म हो गया तो उसके बाद इनसे उनसे आस पास पड़ोस से या दोस्तों से सबसे कर्ज लेके पिला डाला। अब कोई देने को तैयार नहीं कि ये तो पिला डाला, अब मेरा कहां से देगा? अब कोई देने को मुझे तैयार नहीं। उसके बाद एक दिन नोटिस लेके होता है ना एनओसी लेके बैंक पहुंच गया, मुझे कर्ज चाहिए। किस लिए? दारू पीने के लिए। दारू पीने के लिए कर्ज नहीं मिलता, वहां से निराश होकर वापस चला आया। तो आजकल आप सुने होंगे कि फोन भी बहुत आता है, सर आपको लोन चाहिए, होम लोन, क्रेडिट लोन, फलाना लोन, धमाका लोन, आता रहता है ना। जैसे ही फोन आया मैं बोल दिया हाँ मुझे होम लोन चाहिए, 25 लाख रुपए चाहिए, मुझे घर बनवाना है। अच्छा घर बनवाने के लिए सर नहीं मिलता, बिजनेस के लिए लोन मिलेगा? हाँ हाँ वही दे दीजिए, बिजनेस करके घर बनवाएंगे। अभी पीना है, पहले घर बनवाने के लिए बहाना बनाया कि हाँ मुझे घर बनवाना है, अब वो कह रहा है घर बनवाने के लिए पैसे नहीं मिलते, बिजनेस के लिए मिलते हैं, तुरंत बोल रहा है हाँ हाँ मुझे बिजनेस करना है, पहले बिजनेस करूंगा उसके बाद घर बनवाऊंगा। अच्छा ठीक है सर, कितना चाहिए आपको? वही 20-25 लाख तक दे दीजिए। हाँ सर आप कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दीजिए, एक एजेंट जाएगा घर पे, वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद जो है कि लोन सैंक्शन हो जाएगा। अच्छा ठीक है, कब तक आ जाएगा? बस सर कल तक आ जाएगा। ठीक है, उसका एजेंट आ गया बैंक का, यहाँ पे जो उसका उसकी कार्यवाही थी वो किया अपना, उसके बाद लोन सैंक्शन हो गया। अब कौन कहे बिजनेस करने को, पिला डाला वो जो अंकल थे, सारा का सारा पिला डाले उसको। अब पीने के बाद फिर कर्ज में डूबे हैं, आज उसी बात के लिए चिंतित हैं। मैं भी बड़े मजे से सुन रहा था, मेरे दिमाग में भी खुरापात गूंजने लगा। अंकल आपकी तो बड़ी जान पहचान है। हाँ बेटा जान पहचान तो है, तभी लोन पास हुआ ना। बेटा वो जान पहचान का नहीं था। अच्छा तभी दे ही दिया, नहीं तो नहीं देता। अरे नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, जो जान पहचान वाले हैं वो भी दे रखे हैं,
लेकिन आज परेशान है कि वापस कैसे मिलेगा। अच्छा मतलब जान पहचान वाला नहीं था, वो 20 लाख रुपए दे गया। हाँ बेटा वो तो 20 लाख दिया, अब दूसरे बैंक से लोन लेके अंकल मुझे दे दीजिए, मैं उसका ब्याज आपको देता रहूँगा, आपके आपका जो है कि दोनों शौक पूरा होता रहेगा। कैसे अंकल? आप मुझे देंगे, मैं बिजनेस करूँगा, हर महीने आपको ब्याज दूंगा, उससे आप पिलाते रहिए, आपको तो लोन बड़े आराम से सेंक्शन हो जाता है। बेटा आप नहीं होगा अंकल, दूसरे बैंक ट्राई कीजिए। अच्छा मिल जाएगा क्या दूसरे बैंक? हाँ अंकल मिल सकता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा अंकल मुझे दे दीजिएगा, ऐसा नहीं कि वहां से बैंक लेके फिर पिला डालूं। नहीं बेटा देखता हूँ। अब अंकल उसी दिन से फिर सुनने में आया कि फिर परेशान है कि किसी का फोन आए, मैं किसी को बुलाऊं भाई मुझे बिजनेस लोन चाहिए आ जाओ, अब इसके लिए परेशान है सुनने में आ रहा है।